दिवाली का त्यौहार जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, कुम्हारों के चाक की रफ्तार में भी तेजी आ रही है। पर्व को लेकर मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हार दिन रात दिया बनाने में जुटे हैं। कुम्हारों को उम्मीद है कि दीपावली पर इस बार लोगों के घर आंगन मिट्टी के दिए से रोशन होंगे और उनका पुश्तैनी कारोबार फिर से पटरी पर लौट आएगा। कुम्हारों ने बताया कि उनके पास पुरखों से मिली मिट्टी के बर्तन और दिया बनाने की कला है, जो उनके रोजी रोटी का बड़ा सहारा रहा है। पिछले कुछ सालों में आधुनिकता और चाइनीज सामानों की भरमार ने इस कला को पीछे धकेलने की कोशिश जरूर की है। हालांकि अब भी मिट्टी से जुड़े लोग अपनी संस्कृति को ही तरजीह देते हैं और अब अमीरों के घरों में भी जगमगाती लाइटों के साथ घरों और ऑफिस में भी दीपावली पर मिट्टी के दिए से ही माँ लक्ष्मी और गणेश भगवान की पूजा होती है। वहीं प्रधानमंत्री ने भी लोकल फॉर वोकल का जब से नारा दिया, तब से कुम्हारों को भी इसका फायदा जरूर हो रहा है। ये कम से 10 साल से। ये मैंने चाक आने के बाद कितना फायदा हुआ इस तरह? चाक आने के बाद फायदा हुआ कि माल ज्यादा निकलता है और काम करने में भी सहूलियत है। आप लोग यंग जनरेशन के हैं, क्या लगता है जो अब इसका बाजार कितना बढ़ा है? कितना बढ़ा है इसका जो है ना, मतलब जब बाजार जो है माल अच्छा पिकअप पकड़ता है इसका तेजी से, और पहले से भी जो है ना हम लोग का रोजगार अच्छा चल रहा है। प्रधानमंत्री जी का अपील किए लोगों को देसी चीज इस्तेमाल करने से, कुछ बदलाव आया है? हाँ, थोड़ा बदलाव तो आया है, लोग सुन रहे हैं ना जी। गांव के कुम्हार समाज के युवाओं का कहना है कि लोगों की बदली सोच से लग रहा है कि नवयुवकों के लिए उनकी कला व्यवसाय एक बार फिर रोजगार का जरिया बनेगा। इस बार सरकार ने बिजली से चलने वाले चाक उपलब्ध कराया है। गांव के कई लोग दीपावली के लिए दिए बनाने का ऑर्डर दे चुके हैं। इस समय दिन रात मिट्टी के दिए बनाने का काम चल रहा है। लोग अब ज्यादा से ज्यादा ले रहे हैं, पहले से ज्यादा खपत हो रहा है। हम लोग को माल बनाने में भी थोड़ा परेशानी यही है कि बिजली बिल को लेके थोड़ा परेशानी है। इलेक्ट्रिक चाक जब से मिला है तब से तो काम करने का उत्साह ज्यादा बढ़ा है लोगों में। बाजार लेकिन हाँ, बाजार भी बढ़ा है। मिट्टी से निर्मित मूर्तियां, दिए और खिलौने पूरी तरह इको फ्रेंडली होते हैं। इसकी बनावट, रंगाई व पकाने में किसी भी प्रकार के केमिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। इको फ्रेंडली दिए पर्यावरण को नुकसान भी नहीं पहुंचाते हैं। कुम्हारों की माने तो पिछले एक दशक में बाजारों में बिजली के झालरों की चमक दमक के कारण मिट्टी के दियों की बिक्री कम हुई है। लोग केवल पूजन के लिए दियों का उपयोग कर रहे हैं, महंगाई के कारण भी ऐसा हुआ है। हालांकि अब फिर से लोग चाइनीज को छोड़ भारत में बने सामानों का रुख कर रहे हैं। ऐसे में कुम्हारों के मिट्टी से जुड़े इस उद्योग में भी तेजी आने की उम्मीदें हैं। गांव तक बिहार की रिपोर्ट।